हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिबेंचर्स में एक नया टॉपिक, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, मॉर्गेज और चार्जेस। इससे पिछली क्लास में हमने किया था ट्रस्ट डीड और रेमेडीज अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं। सबसे पहले रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, एज द नेम सजेस्ट, एक रजिस्टर जिसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स की सारी डिटेल होती है, वो डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर होता है। एक कंपनी जो डिबेंचर्स इश्यू करती है उसको डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करना होता है। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं, हर एक डिबेंचर होल्डर का नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एक एक होल्डर के पास कितने कितने डिबेंचर्स हैं, कितनी अमाउंट एक्चुअली पे हो चुकी है, कितनी अमाउंट पे होनी बाकी है, डेट एट विच पर्सन्स नेम वाज एंटर्ड इन रजिस्टर, वो डेट जब डिबेंचर होल्डर रजिस्टर के अंदर उस डिबेंचर होल्डर का नाम एंटर हुआ था, वो डेट जिस दिन वो डिबेंचर होल्डर नहीं रहेगा, सीजेस टू बी डिबेंचर होल्डर, मतलब वो डिबेंचर होल्डर नहीं रहेगा, बेच दिए हैं उसने डिबेंचर्स या रिडीम हो गए हैं, तो ये डिटेल आएगी उसके अंदर। और डिबेंचर होल्डर रजिस्टर के आगे एक इंडेक्स होगा। देखिए, एक रजिस्टर के अंदर क्या है, हर एक पेज खोल के नहीं देखा जाता है, इंडेक्स बता दे कि इसके अंदर ये डिटेल यहाँ है, ये डिटेल यहाँ है, तो इंडेक्स के अंदर सारी रेलेवेंट एंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और एनी चेंज इन द पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर, कोई रजिस्टर चेंज हो रहा है, कहीं कोई टॉपिक चेंज हो रहा है, सेक्शन ए सेक्शन बी, ठीक है, तो उस तरह का चेंज इंडेक्स के अंदर पता होना चाहिए। रजिस्टर को जैसे क्लोज करना है, वो जो प्रोविजंस मेंबर्स के रजिस्टर के हैं वही प्रोविजंस अप्लाई होंगी। अगर कोई और चाहे रजिस्टर की कॉपी लेना तो वो एक पर्टिकुलर फीस दे के दे ले सकते हैं। वो रूल्स वैसे ही हैं जैसे कि मेंबर्स के रजिस्टर्स के हैं। नेक्स्ट इज़ मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेज इज़ द प्लेज ऑफ राइट्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। डिबेंचर्स के लिए या लोन के लिए जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में दी, तो उसके ऊपर जो प्लेज रखी गई दैट इन केस कंपनी लोन पे नहीं कर पाती, तो ये प्लेज का मतलब होता है प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये असेट यूज़ कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मॉर्गेज या गिरवी रखना। तो ये कंपनी का ऐसा एक्शन है जिससे ये अपनी असेट को सिक्योरिटी के रूप में दे देती है कैपिटल रेज करने के लिए। कैपिटल कंपनी को चाहिए बिजनेस रन करने के लिए। लेंडर को क्या मिल जाता है, मतलब लोन देने वाले को, गेट्स द राइट ऑफ लियन, वो प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर सकता है थ्रू ए डीड, एक ट्रस्ट डीड के थ्रू। जो पार्टी गिरवी रख रही है सिक्योरिटी उसको बोलते हैं मॉर्गेजर, और जो पैसा दे रही है, असेट गिरवी रखवा रही है, दैट इज़ मॉर्गेजी। सिक्योरिटी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी होती है। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं हो सकती, बिल्डिंग है, लैंड है, इन चीज़ों की सिक्योरिटी को बोलते हैं मॉर्गेज। और मूवेबल प्रॉपर्टी, कार की प्रॉपर्टी, कार, ट्रैक्टर, इन चीज़ों को अगर गिरवी रखा जाता है, दैट इज़ हाइपोथिकेशन। इमूवेबल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मॉर्गेज, और मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हाइपोथिकेशन। कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज कर सकती है किस किस तरीके से। पहला, टाइटल डीड मॉर्गेजी को दे दे, मतलब जो आपका टाइटल डीड होता है, जैसे कि अगर हम कहीं घर गिरवी रखते हैं, रजिस्ट्री, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ऑनरशिप को शो करता है, वो डॉक्यूमेंट मॉर्गेजी को दे करके ये गिरवी रखा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मॉर्गेज की क्या है, कि इट रिजल्ट्स इन ट्रांसफ़र ऑफ राइट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। जो प्रॉपर्टी के अंदर राइट होता है, उस प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा मिलने वाला है इस दौरान, वो मॉर्गेजर से मॉर्गेजी की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। मॉर्गेज दो तरह का होता है, लीगल और इक्विटेबल। लीगल मॉर्गेज मतलब टाइटल डीड, जैसे कि घर की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी के कागज़, ये दिए जाते हैं क्रेडिटर को। अगर देयर इज़ एन अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट, साथ में एक और डॉक्यूमेंट होता है जो मेंशन करता है लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, लोन पे करने की कंडीशंस क्या हैं, जब लोन लेने वाला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों अमाउंट रिटर्न कर देता है, तो
तो वो अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस ले लेता है, टाइटल डीड वापस ले लेता है। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्रेडिटर प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है, जैसे कि अगर गहने गिरवी रख रहे हैं, सोना चांदी ये गिरवी रख रहे हैं, तो क्रेडिटर प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाती तो क्रेडिटर कोर्ट में अपील कर सकता है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए और उसको ये प्रॉपर्टी बेचने की इजाज़त दी जाए। ये था मॉर्गेज। चार्जेस, कोई अलग वर्ड नहीं है, सिमिलर है। चार्जेस का मतलब है जिस असेट के ऊपर, जो असेट गिरवी रखी गई है, मतलब उस असेट के ऊपर चार्ज चला गया है। जो असेट मॉर्गेज में रखी गई है, कहते हैं कि क्रेडिटर का उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है, ये मतलब है चार्ज का। जब कोई सिक्योर प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं क्रेडिटर का, उसके ऊपर चार्ज हो जाता है। सेक्शन 100 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 1882 का कहता है, बाय एक्शन ऑफ पार्टीज़ कंसर्न एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिरवी रख रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी जा रही है, क्रेडिटर इज डीम्ड टू हैव ए चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, क्रेडिटर को इस प्रॉपर्टी का इंचार्ज माना जाएगा। तो एक चार्ज का मतलब सिक्योरिटी गिवन बाय कंपनी टू इट्स क्रेडिटर्स बाय वे ऑफ चार्ज एंड नॉट द एक्चुअल ट्रांसफ़र। एक्चुअल ट्रांसफ़र नहीं है, सिर्फ हैविंग अ चार्ज, इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी के थोड़े टाइम के लिए। कंपनीज एक्ट कहता है चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ ए कंपनी ऑन एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। चार्ज के अंदर मॉर्गेज इंक्लूड है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा देना, ठीक है। चार्ज दो तरह का हो सकता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जब चार्ज एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर है, ये जो आपकी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपका जो ओमेक सिटी में घर है वो गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, तो उस एक प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट होना इज़ फिक्स चार्ज। ये परमानेंट नेचर का होता है, बिल्डिंग लैंड या मशीनरी के ऊपर हो सकता है। फिक्स चार्ज सिर्फ एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे लग सकता है। ऑब्वियसली आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसी के ऊपर चार्ज दे सकते हो। कंपनी उस प्रॉपर्टी को क्रेडिटर के कंसेंट के बिना यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है। जो कंपनी के ऊपर फिक्स चार्ज दे दिया, या जिसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, कंपनी क्रेडिटर की परमिशन के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकती। फ्लोटिंग चार्ज का क्या मतलब है, फ्लोटिंग चार्ज होता है ऑल चार्ज ऑन ऑल द असेट्स। कह रहे हैं कि असेट्स गिरवी, यानी हम अगर आपको हम पैसे नहीं दे पाए तो आप कंपनी की असेट्स बेच के पैसा ले लेना। कोई पर्टिकुलर नहीं कहते कौन सी असेट्स, असेट्स हैं, असेट्स जाएंगी, असेट्स आएंगी, तो कोई भी असेट बेच के आप पैसा रिकवर कर लेना, दैट इज़ फ्लोटिंग चार्ज। एक पर्टिकुलर असेट के ऊपर नहीं होता। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट कंपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ कर सकती है, कब तक, टिल सच टाइम दैट एन इवेंट अकर्स टू विच द चार्ज इज़ टू बी फिक्स्ड। देखिए, जब तक इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पे हो रही है तब तक चार्ज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, लेकिन इन केस एन इवेंट अकर्स, ऐसा होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं हो रही, हो 2 साल हो गए इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वो क्रेडिटर्स क्या कहेंगे कि हमें तो एक असेट के ऊपर फिक्स चार्ज दे दो, ताकि कल को आप प्रिंसिपल अमाउंट भी ना दो तो हम उससे रिकवर कर पाएँ। तो फ्लोटिंग चार्ज तब तक चलता रहेगा, तो जब तक कोई ऐसा इवेंट ना आ जाए कि फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में बदलवाना पड़े उन क्रेडिटर्स को, तब तक कंपनी फ्लोटिंग असेट्स को, मतलब वो असेट्स को जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है, उनको फ्रीली यूज़ कर सकती है। ये प्रॉपर्टीज़ परमानेंट नेचर की नहीं होती जो फ्लोटिंग चार्ज पे दे रखी हैं, ये चेंज होती रहती हैं, और कंपनी उसको तब तक यूज़ कर सकती है जब तक कि क्रेडिटर कोई एक्शन नहीं लेता है। फ्लोटिंग चार्ज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर नहीं है, सभी प्रेजेंट और फ्यूचर असेट्स को कवर करता है।
असेट्स फ्लोटिंग चार्ज वाली असेट्स चेंज होती रहती हैं, कंपनी इन असेट्स को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ कर सकता है टिल सच टाइम, कब तक, जब कोई ऐसा इवेंट ना हो कि वो चार्ज फिक्स में बदलना पड़े। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज के बीच में डिफरेंस देखिए। फिक्स चार्ज एक डेफिनेट असेट के ऊपर होता है, मेंशन्ड होता है एक इस पर्टिकुलर असेट के ऊपर होता है। यहाँ पर चार्ज वाली असेट टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी। फिक्स्ड असेट्स अंडर चार्ज सिर्फ जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी हैं उन्हीं पर चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज सब प्रॉपर्टीज़ पर होता है, प्रॉपर्टी बिकेगी भी, प्रॉपर्टी और भी आएगी, तो फ्लोटिंग चार्ज एग्जिस्टिंग और फ्यूचर दोनों प्रॉपर्टीज़ पर हो सकता है। फिक्स चार्ज के अंडर कंपनी उन असेट्स को यूज़ नहीं कर सकती क्रेडिटर्स की कंसेंट के बिना, फ्लोटिंग चार्ज के केस में कर सकती है। राइट ऑफ सेल, कंपनी कैन नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर चार्ज। जिस असेट के ऊपर चार्ज दे रखा है कंपनी उसे बेच नहीं सकती, यहाँ कंपनी बेच सकती है असेट्स के साथ जो चाहे मर्जी कर सकती है। फॉर्म ऑफ असेट्स, फिक्स्ड असेट्स में जनरली परमानेंट असेट्स होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पर मूवेबल या चेंजिंग फॉर्म की होती हैं। अल्टरेशन, चेंज रिमेन्स फिक्स्ड इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। कंपनी कोई अगर डिफॉल्ट करती है चार्ज फिक्स रहेगा, असेट सेम रहेगी, फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो। वहाँ तो ऑलरेडी एक फिक्स चार्ज है, कोई अल्टरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। अल्टरेशन की ज़रूरत कब होती है, जब फ्लोटिंग चार्ज होता है, कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और क्रेडिटर्स को अपनी और सिक्योरिटी के लिए उसको फिक्स चार्ज में कन्वर्ट कराना होता है। कल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।